हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट विद विनी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिगो के दिसंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए इंडिगो के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। चलिए फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के जो है सो रिजल्ट्स 9 months और क्वार्टर दोनों की देखने को मिले, और ये रिजल्ट्स जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है जो कि मिलियंस में नंबर्स होंगे। अगर हम इसके टोटल इनकम की बात करें, देख सकते हैं 9480 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 5798 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रही थी, और दिसंबर 20 क्वार्टर में देखें तो 5142 करोड़ के अराउंड जो है इनकम देखने को मिल रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी के जो है इनकम में जो है इस बार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर दोनों में मिल रही है। अगर हम इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें, देख सकते हैं 9346 करोड़ के अराउंड एक्सपेंसेस देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 723 करोड़ के अराउंड, सॉरी फ्रेंड्स, 934 करोड़ के अराउंड जो है एक्सपेंस देखने को मिल रही थी, और सितंबर क्वार्टर में 723 करोड़ के अराउंड 7234 करोड़ के अराउंड जो है एक्सपेंस देखने को मिल रही थी, और दिसंबर 20 में क्वार्टर में देखे तो 5765 करोड़ के अराउंड जो है एक्सपेंस देखने को मिल रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी की जो है एक्सपेंसेस लगातार ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट जो कंपनी को निकल के आया, देख सकते हैं 129 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 1456 करोड़ के अराउंड लॉस देखने को मिल रही थी, और दिसंबर 20 क्वार्टर में 620 करोड़ की जो है लॉस देखने को मिल रही थी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी जो है लगातार लॉस करती हुई नजर आई थी, बट इस बार जो कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके EPS की बात करें, जो कंपनी का जो EPS निकल गया है, देख सकते हैं 3.37 का EPS देखने को मिला है, जो कि पिछले बार से जो है सिर्फ लॉस देखने को मिल रही थी, बट इस बार जो है प्रॉफिट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के शेयर की, तो देख सकते हैं 1971 पे ट्रेड करा, जो कि 1.5% का ग्रोथ देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके फिनेंशियल रिजल्ट्स, और फ्रेंड्स कल हो सकता है इसमें और भी ग्रोथ, ये मतलब ग्रीन सिग्नल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद जो है कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को इस बार मिली, नहीं तो पिछले 9 quarters से जो है इसमें लॉसेस देखने को ही मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके फिनेंशियल रिजल्ट्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।